आज मैं एकदम आसान तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी मटर मसाला की सब्जी बनाऊंगी, ताकि ये सब्जी बनाने में आपको आसानी हो। ये सब्जी एकदम टेस्टी और डिलीशियस बनती है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो रेस्टोरेंट की सब्जी भी भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी मटर मसाला। तीन सौ ग्राम फूलगोभी लिया था, इसे साफ करने के बाद ये 200 ग्राम जितना है। इस तरह से हमने गोभी के फूल निकाल लिए हैं। गोभी को हम उबलते हुए पानी में डाल के 2 मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे, ताकि गोभी के अंदर जो कोई भी कीड़े या डस्ट हो तो वो अच्छे से निकल जाए और गोभी बराबर से एकदम साफ हो जाएगी। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। उबलते हुए पानी में हम गोभी डाल देंगे। तेज आंच पे इसे 3 मिनट तक ब्लांच कर लेते हैं। तेज आंच पे हमने 3 से 4 मिनट इसे उबाल लिया है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। गोभी को हमने पानी में से निकाल लिया है। गोभी को थोड़ा सेलो फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में हमने थोड़ा ज्यादा तेल डाला है, आधा कप जितना तेल अंदर डाल दिया है और तेल गर्म हो गया है। गोभी अंदर डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के गोभी को सेलो फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के 4 से 5 मिनट इसे सेलो फ्राई कर लिया है और थोड़ा कलर चेंज हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से पूरा तेल हम निकाल लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए 1 बड़ा प्याज, 2 बड़े टमाटर और 3 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च ली है। 4 कली लहसुन, आप छोटी कली लहसुन की ले रहे हैं तो 7 से 8 कली लहसुन का ले लीजिए, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हम चॉप कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून काजू का पीस है। साबुत काजू आप ले रहे हैं तो 10 से 12 काजू ले लेना है। आधी टेबल स्पून खसखस पॉपी सीड्स। इसमें हमें 1/4 कप गर्म पानी डाल के आधे घंटे के लिए भिगो के रखना है। उसके बाद इसकी मिक्सर जार में डाल के पेस्ट बना लेनी है, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। गोभी को फ्राई करके कढ़ाई में से हमने तेल निकाल लिया है। 1 टेबल स्पून तेल हमने अंदर रखा है। 1 प्याज हमने चॉप करके लिया है, ये डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के प्याज को लाइटली भून लेते हैं। प्याज का पानी सूख जाए तब तक हमने इसे सौते किया है। 4 कली लहसुन को हमने चॉप किया है, ये डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी चॉप करके लिया है। 3 कश्मीरी लाल मिर्च। धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए इसे सौते किया है। लाइटली इसका कलर चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन हो गया है। 2 टमाटर हमने चॉप करके रखे थे, ये डाल देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे कुक कर लेते हैं। धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट इसे कुक किया है। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, गैस ऑफ कर देंगे। इसे एक डिश में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। डिश में निकाल लिया है, ये ठंडा हो जाएगा। इसके बाद इसी मिक्सर जार में डाल के स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। प्याज और टमाटर हमने सौते किया था, इसकी पेस्ट हमने बना के रखी है। और काजू और खसखस हमने भिगो के रखा था, इसकी भी हमने पेस्ट बना ली है। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। गोभी हमने फ्राई किया था वही तेल हमने यूज किया है। 1 टेबल स्पून बटर। तेल और बटर को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। 1 टीस्पून जीरा। जीरा को लाइटली भून लेंगे। प्याज और टमाटर हमने भुना था, उसके साथ में हमने साबुत कश्मीरी लाल मिर्ची डाली थी। अगर आपको ये नहीं डालना है तो इस टाइम पे आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 से 2 टीस्पून तक डाल सकते हैं। प्याज और टमाटर की पेस्ट बनाई है, ये डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के पेस्ट को हम सौते कर लेते हैं। तेल सेपरेट हो गया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून किचन किंग मसाला, मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। धीमी आंच पे इसे फ्यू सेकंड सौते कर लेंगे। काजू और खसखस की पेस्ट बनाई है, ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे।
लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे सौते करेंगे। ग्रेवी को हमने 3 से 4 मिनट कुक किया है, तेल भी सेपरेट हो गया है। आधा कप पानी मिक्सर जार में डाल के ले लिया था, ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोभी फ्राई की थी ये डाल देंगे। आधा कप फ्रोजन मटर डालेंगे, मटर आप अगर कच्चे ले रहे हैं तो इसे उबाल के लेना है, मिक्स कर लेंगे। आधा कप पानी डाल देंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट तक इसे कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट इसे धीमी आंच पे कुक किया है, तेल ऊपर आ गया है। लास्ट में 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है, इसे थोड़ा हाथ से क्रश करके डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मलाई डालेंगे, इसके बदले में आप फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। एक मिनट ढक्कन लगा के कुक करेंगे। 1 मिनट हो चुकी है, 1 से 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। सब्जी रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। इसे आप रोटी, पराठा, नान और पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी मटर मसाला सब्जी रेडी है, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।